हम दुख सुख में रहते हैं, इधर हम जाते हैं उधर, हम मुस्लिम हिंद भी रहते हैं, ये सिख भी रहते हैं इधर, हम कुछ किसी का दिक्कत नहीं है इधर, ना कुछ नहीं, कोई ज़रूरत पड़ते हैं तो जल्दी जाते हैं उनके घर, जल्दी आते हैं, जा मारने के टाइम अगर पंडित मारते हैं तो जल्दी मुसलमान ही आते हैं, वही लेते हैं वो सब कुछ। कश्मीर को जाना ही जाता है, जो मुख्तलिफ धर्म मज़हब के लोग हैं उनके दरमियान भाईचारे के लिए। कश्मीर को कुछ एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको रिश्वर कहते हैं। तो एक ऐसी टर्म है जो हर मज़हब के, जो धार्मिक, जो उनका गुरु हो या कोई सूफ़ी हो, बुज़ुर्ग हो, वली हो, तो ये सब चाहे शिव मत हो, चाहे सिख मज़हब हो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ पे तो हर किसी मज़हब के बहुत ऊंचे ऊंचे लोग यहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, तो जिसकी वजह से कश्मीर को रिश्वर भी कहा जाता है। तो कश्मीर की तारीख़ इन सब वाक़ात से भरी पड़ी है, जो तमाम दुनिया के लिए मशल भी साबित हो सकते हैं आपसी मज़हब के भाईचारे के मुतालिक। वहीब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में रहता हूँ। हमारी लोकेलिटी में यहाँ पे हमारे हिंदूज़, हमारे भाई साथ रहते हैं, तो हम बचपन से एक दूसरे के साथ अच्छे से रह के आए हैं और हम एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं, हम इनके घर जाते हैं त्यौहारों पे, हमारे घर आते हैं, ऐसे करते आए हैं हमेशा, और हम इसको आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह निभाते जाएंगे। और हमारा कोई भी जो इनका, हमारी ईद हो, इनकी होली हो, हम साथ में मनाते आए हैं और इसको साथ में मनाते जाएँगे। आप देखें, मेरा मुशाहिदा भी है या मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि उमूमी तौर पे हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मतलब किसी इंसान का एक अलग मज़हब हो सकता है और मेरा एक अलग मज़हब हो सकता है। हालांकि ज़ाहिरन इसमें बहुत डिफरेंस है, एक मज़हब के अतवार और तौर और तरीके जो होते हैं, जो हमको सिखाता है, आदाब सिखाता है, और इसके अहकाम जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो है अंदर से जो उसका सीड है, कैरनल है इस मज़हब का, वो शायद एक ही है, ठीक है, उसको हम अलग से छोड़ दें, लेकिन हम जो ज़ाहिरन जो इसके डिफरेंसेस हैं हम उसकी बात करेंगे। कश्मीर में उस हवाले से जो मैंने देखा है, यहाँ पे जैसे लोग हुआ करते थे, पंडित लोग भी हुआ करते थे, मुस्लिम लोग भी हुआ करते थे, तो इस हिसाब से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, आपका मज़हब अलग है, शायद ज़ुबान तो आप एक बोलते हैं जो आपको यूनिफाई करता है, लेकिन मज़हब भी एक इफ़ादियत रखता है, एक सिग्निफिकेंस रखता है।